मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कपल किसी चीज से डरते हुए भाग रहे हैं और दरवाजा खोलने के लिए चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए इंसानों ने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, लेकिन मौसम हद से ज्यादा खराब होने के कारण सभी मशीनें खराब हो गई, जिसके कारण पूरी दुनिया बर्फ से ढक गई और इस कड़कती ठंड के कारण इंसानों का जीना मुश्किल हो गया। इसीलिए सर्वाइवर लोगों को अंडरग्राउंड बंकर्स और कॉलोनीज पर रहना पड़ा और हर तरफ बर्फ होने के कारण फसल उगाना और मेडिकल सप्लाई मिलना मुश्किल हो गया। इसलिए किसी का भी हल्का सा फ्लू बीमारी लगना महामारी में न बदल जाए, इसलिए इस कॉलोनी 7 के नियम के अनुसार उनका लीडर ब्रिग्स उन्हें 40 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखते हैं ताकि वह खुद अपने आप ठीक हो सके, और अगर वह खुद अपने आप ठीक नहीं हुआ तो उन्हें दो चॉइस दिए जाते हैं, या तो वह खुद ही कॉलोनी छोड़कर चले जाएं या तो वह उनके हाथों से मारे जाएं। लेकिन कॉलोनी 7 का एक निर्दयी आदमी जिसका नाम मेसन होता है, वह एक बीमार इंसान जो खुद अपने आप ठीक नहीं हो पाया, उसे चॉइस देने के बजाय उसे वही मार देता है, ये सोच कर कि वह इस बीमारी के साथ कहीं वापस ना आ जाए। और उसके हिसाब से तो लोगों को क्वारंटाइन में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितने लोग कम होंगे उतना ही बाकी लोगों को खाना मिलेगा, लेकिन सैम इसके सख्त खिलाफ होता है। इसीलिए वह ये बात लीडर ब्रिग्स को बता देता है और फिर ब्रिग्स इसके लिए मेसन को डांटता है और आखिरी चेतावनी देता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर सैम एक्सप्लेन करता है कि वह लकी थे जो अंडरग्राउंड बंकर और कॉलोनीज का खोज कर सके, और उन्हें भी शुरुआत में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वह कम खाने के साथ बंकर और कॉलोनीज में रहना सीख गए और आज भी वह ऐसी गर्म जगह की खोज में है जहाँ खेती की जा सके। और इसी खोज में सैम की गर्लफ्रेंड काई दिन रात सैटेलाइट के जरिए लगी रहती है, इसीलिए वह सभी मिलकर एक एक बीज संभाल के रखते हैं। लेकिन फिर एक दिन उन्हें पुराना कॉलोनी 5 से SOS सिग्नल मिलता है। हालांकि 7 दिन पहले उन्होंने रेडियो बंद कर दिया था कुछ रिपेयर के कारण, इसलिए ब्रिग्स तुरंत मीटिंग बुलाता है ताकि कोई उनके साथ कॉलोनी 5 में जा सके वहां चेक करने के लिए। तभी सैम और ग्रेडन नाम का एक लड़का तैयार होता है जिसे जंग का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वह फिर भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वही ब्रिग्स अपने गैर हाजिरी में काई को इंचार्ज बनाता है क्योंकि उसे मेसन पर भरोसा नहीं है। और तभी मीटिंग के दौरान एक कपल डर के मारे अपनी फ्लू की बीमारी छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से वह खांस पड़ते हैं जिनसे सभी को पता चल जाता है कि वह बीमार है, और अब बाकियों में भी ये बीमारी ना फैले इसीलिए तुरंत दोनों को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। उसके बाद तैयार हुए तीनों लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर भयंकर ठंड से होते हुए कॉलोनी 5 के लिए निकल जाते हैं, और आगे हम देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। इसी दौरान हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने वाले मशीन को भी देखते हैं जो अब कबाड़ बन चुका है। फिर चलते चलते वह लोग एक ब्रिज में पहुंचते हैं जो काफी पुराना, टूटा फूटा और कमजोर था, और उसी ब्रिज में उन्हें कुछ लोगों की लाशें मिलती है जिनके पास उन्हें एक बंदूक भी मिलता है, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह लोग शायद ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाए इसीलिए बंदूक से अपनी जान ले ली। फिर कुछ देर चलने के बाद मौसम खराब होने लगता है, इसलिए वह तीनों वहीं पर खड़े क्रैश हेलीकॉप्टर के अंदर जाते हैं और रात वहीं बिताते हैं। फिर अगली सुबह वह तीनों कॉलोनी 5 तक पहुंच जाते हैं, तभी वहां पर उन्हें खून के निशान दिखाई देते हैं जिसे देखकर ग्रेडन उन्हें आगे बढ़ने से मना करता है, लेकिन ब्रिग्स वहां के लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है जिससे ग्रेडन को ना चाहते हुए भी उनके साथ चिमनी से होता हुआ नीचे जाना पड़ता है। पर हैरानी की बात ये है कि दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है और हर तरफ खून के निशान दिखाई देते हैं, पर फिर भी वह तीनों हिम्मत दिखाते हुए लोगों की तलाश में आगे बढ़ते हैं, और तभी उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है जिसमें खरोंच के निशान थे। फिर वह जब दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो उन्हें एक घबराया हुआ आदमी दिखाई देता है जो उन्हें तुरंत दरवाजा बंद करने का रिक्वेस्ट करता है। तभी वह आदमी उन्हें एक जरूरी खबर देता है कि कुछ दिन पहले उन्हें एक अनजान कॉलोनी से एक मैसेज मिली थी जो वेदर टावर को ठीक करने में कामयाब हो गए, जिसकी मदद से वह बर्फ को पिघलाकर उपजाऊ मिट्टी बाहर निकाली, लेकिन खेती करने के लिए उनके पास बीज नहीं थे, इसीलिए उसने ये मैसेज भेजा था ताकि कोई देखकर वहां जाए और खेती करे।
लेकिन उसका पूरा लोकेशन बताने से पहले ही कनेक्शन टूट गया। पर फिर भी सैम ये सारी जानकारी नोट कर लेता है। फिर वह आदमी घबराकर कांपते हुए उन्हें बताता है कि मैसेज मिलने के बाद उन्होंने अपने कुछ लोगों को वहां भेजा था, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला। पर कुछ लोग उनका पीछा करते हुए यहां पर पहुंच गए और वह अब भी इस कॉलोनी में कहीं मौजूद है। फिर तभी उन्हें कुछ टकराने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे यहां रहना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए ब्रिग्स उस आदमी को उनके साथ यहां से निकलने का कहता है, पर वह पूरी तरह घबराया हुआ यहां से हिलने को तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर भी उनके जिद करने पर वह उनको धकेलकर खुद को उसी रूम में लॉक कर लेता है। उसके बाद ब्रिग्स उन दोनों के साथ उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है और जो नज़ारा उन्हें दिखाई देता है, जिसे देखकर उनकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ लोगों लाशों को काटते हुए और कच्चा खाते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह लोग सर्वाइव करने के लिए नरभक्षी बन गए हैं। तभी उन लोगों के आने की भनक उन नरभक्षियों को लग जाती है। फिर वह तीनों उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उनके पास गोलियां कम होने के कारण उन्हें वहां से भागना पड़ता है। पर कुछ नरभक्षी ग्रेडन को पकड़कर उसकी जान ले लेता है, जिससे उन दोनों को उसे वहीं पर छोड़कर वहां से भागना पड़ता है और वह दोनों ऊपर चढ़कर सीढ़ियां नीचे फेंक देते हैं, जिससे कुछ देर के लिए उनका पीछा छूट जाता है और चिमनी के रास्ते बाहर निकलकर चिमनी को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, जिसके बाद वह तुरंत अपने कॉलोनी की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी मौसम फिर से खराब होने लगता है और उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वह दोनों उसी हेलीकॉप्टर में रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी तक कम नहीं हुई थी। फिर अगली सुबह सैम देखता है कि वह नरभक्षिया उनके कदमों का पीछा करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तब वह दोनों तुरंत ब्रिज की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनका प्लान होता है कि ब्रिज को बॉम्ब से उड़ा देना, ताकि वह उनके कॉलोनी तक नहीं पहुंच पाए। फिर वह बॉम्ब को जलाकर ट्रैप को बिछाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन ठंड के कारण वह बॉम्ब फटने से पहले ही डिफ्यूज हो जाता है। अब सैम को लगता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय भागने का, इसीलिए वह जिद करता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। लेकिन ब्रिग्स सैम को समझाता है कि हमें किसी भी तरह इस ब्रिज को उड़ाना होगा, वरना वह हमारा पीछा करते हुए हमारे कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए किसी एक को उनका सामना करना होगा। पर ब्रिग्स जानता था कि सैम उसे ऐसा करने नहीं देगा, इसीलिए वह सैम को धक्का देकर उस बॉम्ब को जलाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे ब्रिज टूट जाता है और साथ ही ब्रिग्स की जान भी चली जाती है। अब ये देखकर वह नरभक्षी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद सैम किसी तरह कॉलोनी पहुंच जाता है और सबको बताने लगता है कि ब्रिग्स अब नहीं रहा, जिसके बाद वह बेहोश हो जाता है। तभी काई भागते हुए उसके पास आती है, लेकिन मेसन काई को भी मारकर बेहोश कर देता है और गन के दम पर खुद को उनकाली दर घोषित कर देता है। फिर सैम के होश आने पर वह मेसन को उन नरभक्षियों के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन मेसन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद सैम किसी तरह खुद को छुड़ाकर काई को जाकर आजाद कर देता है और काई को वही लोकेशन दिखाता है जहां से उन्हें मैसेज मिला था, जहां की जमीन सच में गर्म डिटेक्ट होती है। तब वह तुरंत बीज जमा करके काई के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक नरभक्षी वहां पर पहुंच चुके थे और कॉलोनी को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद वहां के सभी लोग गन लेकर कॉलोनी की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी नरभक्षी एक एक करके कॉलोनी के अंदर आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। और लड़ाई के दौरान मेसन एक नरभक्षी के हाथों मरने वाला होता है कि तभी सैम उसे बचा लेता है, लेकिन नरभक्षी उन लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं और बाकी बचे कुछ लोग वेंटिलेशन के जरिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेसन पीछे रहकर उन नरभक्षियों को रोकने की कोशिश करता है और एक गैस सिलेंडर को ब्लास्ट करके अपने साथ उन सभी नरभक्षियों को मार देता है, लेकिन नरभक्षियों का लीडर किसी तरह बच जाता है और अब वह सैम का शिकार करने की कोशिश करता है, जिस दौरान वह सैम को काफी पीटने लगता है। लेकिन सैम किसी तरह उस लीडर को रॉड से घायल करके उसे बुरी तरह मारकर जान ले लेता है और आग में जलने से पहले ही वह किसी तरह बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि इस घटना के बाद सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस जानलेवा ठंड में उस अनजान कॉलोनी की खोज करना सही होगा या नहीं।
तभी सैम उन्हें समझाता है कि बस वही एक आखिरी चारा है उनके सरवाइव करने का, और वह सभी उस अनजान कॉलोनी की खोज में निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।